मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी, दैट इज चैप्टर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बट माय टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट, दैट इज टुडे वी विल स्टार्ट फंजाई. ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द चैप्टर्स नेम, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, इन दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द टॉपिक इज, व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक इज फंजाई. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know the introduction of the fungi. What is fungi? Fungi are achlorophyllous. That means they have absence of chlorophyll. Fungi are achlorophyllous, heterotrophic. That means they depend on other for their food. Achlorophyllous, heterotrophic, gametophytic. Gametophytic, haploid, multicellular. Haploid, multicellular, eukaryotic, nucleated. Okay, eukaryota, that means they have a nucleus. Spore producing thallophytes. Thallophytes means their body is a mass of cell. It is not divided into different parts. So, fungi ka body kya hai? Achlorophyllous, heterotrophic, gametophytic, haploid, half number of chromosome, multicellular, eukaryotic, having nucleus, nucleated, and spore producing thallophytes. Okay, which are surrounded by which are surrounded by cell wall. Which are surrounded by cell wall. ठीक है, surrounded by cell wall. Now next, the fungi was given the status of kingdom by R.H. Whittaker in five kingdom classification. Okay, the fungi were given the status of kingdom by R.H. Whittaker. The fungi were given status of kingdom by R.H. Whittaker 1969 in his kingdom. In his kingdom, okay. In his kingdom, ठीक है, या in his five kingdom classification, which I have already discussed, five kingdom classification. Okay, now what is study of fungi called? Study of fungi is called mycology or mycetology.
study of fungi is called mycology or mycetology. स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी कहा गया है. नेक्स्ट, पियर एंटोनियो मिचेली इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ माइकोलॉजी. पियर एंटोनियो मिचेली, ओके, एंड इटालियन बोटेनिस्ट regarded as father of mycology. Okay. Now, E.J. Butler is regarded as father of Indian mycology. E.J. Butler is regarded as father of Indian mycology. E.J. Butler is regarded as father of Indian mycology. And father of mycology किसको कहा गया? Pierre Antonio Michelli. Now we go to the next step, that is the general characteristics of fungi. Okay. General characteristics. Okay. First, fungi क्या है? Fungi are non-vascular, non-seeded, non-flowering. First, fungi are non-vascular, non-seeded, non-flowering. Fungi are non-vascular, non-seeded, non-flowering. मल्टीसेलुलर फंजाई नॉन वास्कुलर है, इसमें जाइलम और फ्लेम नहीं है. नॉन सीडेड है, मतलब सीड नहीं है. नॉन फ्लावरिंग मीन्स इसमें फ्लावर नहीं होता है. मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल से बना हुआ है, ठीक है. डिकम्पोजर एंड मिनरलाइजर, डिकम्पोजर है मिनरलाइजर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर इन द बायोस्फीयर, ठीक है. तो फंजाई क्या है? नॉन वास्कुलर है, नॉन सीडेड है, नॉन फ्लावरिंग है,
मल्टीसेलुलर है, डिकम्पोजर भी है और मिनरलाइजर है। किसका? ऑर्गेनिक वेस्ट, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर इन द बायोस्फीयर। ठीक है। सेकेंड, ये जो फंजाई है, ठीक है, ये दो तरह का होता है, माइसेलियल और नॉन माइसेलियल। इन ट्रू फंजाई, इन ट्रू फंजाई, इन ट्रू फंजाई, सॉरी, इन ट्रू फंजाई द प्लांट बॉडी, द प्लांट बॉडी इज थैलस। इंट्रोडक्शन में इसको थैलोफाइटा बोले हैं, इज थैलस। नाउ इट मे बी, इट मे बी, ये क्या होगा? दो तरह का। पहला नन माइसेलियल, नन माइसेलियल, ठीक है। फिर सवाल है नन माइसेलियल का मतलब क्या होता है? दे फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर, ठीक है। ये जो फॉर्म है हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, दिस फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर, दिस फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर, यानी ये सिंगल सेल का बना हुआ है। हाउएवर दे मे फॉर्म स्यूडोमाइसेलियम बाय बडिंग, हाउएवर दे मे फॉर्म स्यूडो माइसेलियम बाय बडिंग प्रोसेस। हम लोग ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। और ये किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इज अ फंजाई विच इज यूनिसेलुलर। सेकेंड माइसेलियल, ओके। माइसेलियल क्या है? इन माइसेलियल फॉर्म द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हाइफी। इन माइसेलियल फॉर्म द प्लांट बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म्ड ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड इन माइसेलियल फॉर्म द प्लांट बॉडी is formed of a thread like structure called hyphae। माइसेलियल फॉर्म में जो प्लांट बॉडी है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है, इसका नाम है hyphae, ठीक है। अब hyphae क्या होता है? hyphae आर यूजुअली ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, hyphae आर usually branched thread like structure। hyphae जो है usually branch है, thread like structure है, bounded by, hyphae are usually branch thread like structure bounded by सेल वॉल ऑफ काइटिन। हाइफी जो है यूजुअली ब्रांच्ड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बाउंडेड बाय सेल वॉल ऑफ काइटिन, ठीक है, बाउंडेड बाय सेल वॉल ऑफ काइटिन, क्योंकि काइटिन तो सेल वॉल में पाया ही जाता है। नेक्स्ट, हाइफी जो है सेप्टेट होगा हायर फॉर्म्स में और एसेप्टेट होगा लोअर फॉर्म्स में। द हाइफी आर सेप्टेट, ब्रैकेट में लिखो हायर फंजाई, एंड या और लिख दो और एसेप्टेट, एसेप्टेट मीन्स विदाउट पार्टीशन, इसमें हो जाएगा लोअर फंजाई, ठीक है।
तो देखो जनरल कैरेक्टर में क्या हुआ, पहला कि फंजाई नॉन वास्कुलर है, नॉन सीडेड है, नॉन फ्लावरिंग है, मल्टी सेलुलर है, प्लस इट इज अ डिकम्पोजर एंड मिनरलाइजर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर इन द बायोस्फीयर। दैट मीन्स ये न्यूट्रिएंट साइकिल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली जो फंजाई होता है उसका प्लांट बॉडी थैलस होता है, और ये दो तरह का होता है, नॉन माइसेलियल जिसका बॉडी माइसेलियल नहीं है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। हाउएवर कभी कभार ये फॉल्स माइसेलियम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्यूडो माइसेलियम बनाता है बडिंग के द्वारा, दैट इज फाउंड इन ईस्ट। ओके, माइसेलियल में क्या है, माइसेलियम फॉर्म्स ऑफ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, एंड हाइफी आर यूजुअली ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय अ सेल वॉल। उस सेल वॉल को बोलते हैं चिटिन या काइटिन। हाइफी जो है ये बेसिकली सेप्टेट या एसेप्टेट होता है, दैट इज एसेप्टेट कॉमनली लोअर फंजाई में होता है एंड सेप्टेट होता है हायर फंजाई में। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सेप्टेट हाइफी आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सेप्टेट हाइफी फॉलोइंग टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट, फर्स्ट यूनिन्यूक्लिएट मीन्स सिंगल न्यूक्लियस का होगा, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट ये हो गया मोनोकैरियोटिक हाइफी, दूसरा क्या होगा डाइकैरियोटिक फेज, या डाइकैरियोटिक लिख दो, डाइकैरियोटिक में होगा बाई योर मल्टी न्यूक्लिएट विथ बाई न्यूक्लिएट सेल्स और मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। लेकिन जो फंजाई एसेप्टेट है इट कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियस एंड दैट इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक। सम फंजाई, अभी बताए थे ना लोअर फंजाई, सम फंजाई आर एसेप्टेट दैट इज विदाउट पार्टीशन, और जब इसमें एसेप्टेट होगा तो क्या होगा, ठीक है, हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियस, ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा, हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियस इन अ कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक मास, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट में, द सेल्स शो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, द सेल्स शो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो है वो क्या शो कर रहा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, बट लैक क्लोरोप्लास्ट एंड गॉल्जी बॉडी, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट और गॉल्जी बॉडी एब्सेंट है, ठीक है। अब लिखेंगे द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड माइटोसिस इज इंट्रासेलुलर, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड द
माइटोसिस इज इंट्रासेलुलर। ये जो माइटोसिस को हम इंट्रासेलुलर बोले, इसका बायोलॉजिकल टर्म है कैरियोकोरोसिस। ठीक है, कैरियोकोरोसिस। ये हो गया फोर्थ। तो सेप्टेड हाइफी दो तरह का, यूनिन्यूक्लिएट डाइन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट फेज इसमें मोनोकैरियोटिक होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा क्योंकि सेप्टेड है ना। डाइकैरियोटिक फेज में क्या होगा, बायोन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट होगा। कुछ फंजाई जो एसेप्टेड है, नेचुरल है, जब एसेप्टेड है तो उसमें पार्टीशन नहीं है। सो द साइटोप्लाज्म कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियस एंड दिस फेज इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक। अब ये जो सेल है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, बट लैक इसमें एब्सेंट है किसका, क्लोरोप्लास्ट एंड गॉल्जी बॉडी। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है, डीएनए, और जो माइटोसिस है वो क्या है, इंट्रासेलुलर। ओके, नाउ फिफ्थ क्या है, नाउ दिस फंजाई वी ऑल नो आर डिकम्पोजर, सो दे मे ग्रो वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल, दे मे ग्रो वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल। दे मे ग्रो वेयर ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सिक्स, इन द इंट्रोडक्शन वी ऑलरेडी नो दैट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक। सो फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक। फंजाई क्या है, दीज आर हेटरोट्रॉपिक दैट एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक दैट एक्वायर न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फंजाई हेटरोट्रॉपिक है और न्यूट्रिएंट कैसे एक्वायर कर रहा है, बाय एब्जॉर्प्शन। नाउ दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दे या दीज स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, प्रिमिटिव फंजाई। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रिमिटिव फंजाई में जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, उसमें क्या है, प्रिमिटिव फंजाई हैज ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन मॉडर्न फॉर्म जैसे ड्यूट्रोमाइसिटीज या पेसिडोमाइसिटीज इट इज एब्सेंट। ठीक है, द प्रिमिटिव ओके फंजाई हैव व्हाट, द प्रिमिटिव फंजाई हैव ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन एडवांस्ड वन यानी हायर फॉर्म्स, एडवांस्ड वन दे डू नॉट हैव। ओके, एडवांस्ड वन डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्रिमिटिव फंजाई है इसमें ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो एडवांस्ड वन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फंजाई को हम ए क्लोरोफिलस बोले, देन व्हाट इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे जनरली हैव अ पैरासाइटिक और सैप्रोबिक और सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
देखो जया कैरेक्टर नेक्स्ट एट फंजाई आर ए क्लोरोफिलस फंजाई आर ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म एंड हैव ठीक है एंड हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक है कि ए क्लोरोफिलस मींस दे लैक क्लोरोफिल दैट मींस दे आर अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस दैट इज दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड सो दे आर हैविंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक ठीक है अब सबसे पहले हम लिखेंगे पैरासाइट्स पैरासाइट्स में क्या लिखेंगे दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट दे ऑब्टेन देयर फूड From the living host, now usually some of their hyphae modified into haustoria. Usually some of their hyphae modified. Into haustoria. They obtain their food from living host. Usually, some of their hyphae modified into haustoria. Second, parasite ke baad saprophyte. Saprophyte. डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक पार्ट से जो भोजन लेता है तो लिखेंगे दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ठीक है ये हो गया जनरल कैरेक्टर अब रिप्रोडक्शन इन फंजाई ठीक है हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई रिप्रोडक्शन इन फंजाई Reproduction in fungi. Reproduction in fungi में सबसे पहले होगा vegetative reproduction. ठीक है? Fungi have three mode of reproduction. बहुत इजी है वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल थ्री मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाउ
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप्स क्या है? सबसे कॉमन है फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, हम लोग ऑलरेडी 10 में पढ़ चुके हैं कि जब पैरेंट बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूटता है, टुकड़े में टूटता है, एंड ईच फ्रेगमेंट हैज द कैपेसिटी टू जनरेट अ ऑर्गेनिज्म लाइक पैरेंट्स, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन बाय ब्रेकेज ऑफ माइसीलियम, मल्टीप्लीकेशन बाय ब्रेकेज ऑफ माइसीलियम, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, फिजन, फिजन में क्या होगा? सिंपल स्प्लिटिंग, सिंपल स्प्लिटिंग मतलब बढ़ जाना, सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ वेजिटेटिव सेल इनटू टू डॉटर सेल, सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ वेजिटेटिव सेल इनटू टू डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड फिजन। थर्ड क्या है? बडिंग, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ, है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल होगा ईस्ट, बडिंग। बडिंग में क्या होगा? सम फंजाई प्रोड्यूसेस अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड ऑन देयर वेजिटेटिव बॉडी, सम फंजाई प्रोड्यूसेस अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड्स, सम फंजाई प्रोड्यूसेस अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड्स, ठीक है, फ्रॉम देयर वेजिटेटिव बॉडी, फ्रॉम देयर वेजिटेटिव बॉडी, ठीक है। सम फंजाई ने प्रोड्यूस किया स्मॉल आउटग्रोथ, जिसको बड कहा जाता है, इससे अपने वेजिटेटिव बॉडी से। इवेंचुअली बर्ड्स जब मैच्योर होता है, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है एंड गिव राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक देयर पेरेंट्स, ठीक है। इवेंचुअली द बर्ड्स आर, ठीक है, बर्ड्स आर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बडिंग के बाद तीसरा क्या होगा? तीसरा तो खत्म, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। थर्ड, ओइडियम फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? जब हाइफल ब्रांच छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है एंड ईच स्मॉल पीसेस ऑफ हाइफी बिहेव लाइक अ स्पोर विच इज कॉल्ड ओइडिया एंड दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ न्यू माइसेलियम, ठीक है। तो लिखेंगे ओइडियम फॉर्मेशन। ओइडियम फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? इन सम फंजाई, इन सम फंजाई इन सम फंजाई द हाइफी ब्रेकअप टू फॉर्म, इन सम फंजाई द हाइफी ब्रेकअप टू फॉर्म
अ न्यूमरस फ्रैगमेंट, या लिख सकते हो न्यूमरस स्मॉल फ्रैगमेंट, हाइफी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है, नोन एज ओइडिया, ठीक है। और ये ओइडिया जर्मिनेशन के बाद नए हाइफी को प्रोड्यूस करेगा, एंड दीज ओइडिया गिव राइज टू न्यू हाइफी, ठीक है। ये हो गया ओइडियम फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर क्या होता है? इसमें है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के समय द हाइफी फॉर्म्स अ थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर विच ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। दिस क्लेमाइडोस्पोर आर ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। तो लिखेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो क्या होता है, हाइफी फॉर्म द हाइफी फॉर्म्स ए थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर, द हाइफी फॉर्म अ थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर विच ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, विच ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन गिव राइज टू इंडिविजुअल, जो कि रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहा है, गिव राइज टू अ इंडिविजुअल। सो दिस क्लेमाइडोस्पोर इज एन ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन। दिस क्लेमाइडोस्पोर इज एन ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन। ये जो क्लेमाइडोस्पोर है ये क्या है, इट इज अ ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।